हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने क्लास 8 का फैक्टराइजेशन स्टार्ट किया हुआ था। 14.1 के कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, थर्ड क्वेश्चन रह गया था, और 14.2 भी आज हम कोशिश करेंगे कि उसके भी कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। बच्चों वेलकम बैक। तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे बच्चों फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज है और थर्ड क्वेश्चन भी आपको फैक्टराइज करने के लिए ही कह रहा है। इसमें 4 टर्म्स हैं आपको फैक्टराइज करना है। जो 3 टर्म्स तक का था वो तो हमने कर लिया था बच्चों कॉमन फैक्टर्स निकाल के, लेकिन 4 टर्म्स का थोड़ा सा अलग होता है। देखो कैसे करेंगे, इसमें 2-2 के पेयर देख लेंगे जिसमें कुछ कॉमन आ रहा है। ओके, इसमें देखो एक्स और एक्स कॉमन आ रहा है, इसमें भी 8 और 8 ही कॉमन आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, वैसे जो इस क्वेश्चन में तो आपको सिंपली गिवन है, राइट? तो इसमें तो सीक्वेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बट कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है सीक्वेंस को भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसमें आपको पहले माइंड में देखना है कि किसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है। टर्म्स जो है वो हमें अगर शिफ्ट करनी है तो हम शिफ्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्स कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे क्या बचा एक्स प्लस इसके पास क्या बचा वाई। फैक्टर कर लिए हमने इसके, एक्स इंटू एक्स कर लिया, एक्स इंटू वाई कर लिया, एक्स बाहर निकल गया, एक एक्स रह गया, एक्स वाई में से एक्स बाहर निकल गया, एक वाई रह गया। ओके, इसी तरह इसमें 8 और इसके पास क्या बचा एक्स और इसके पास बचा वाई। ओके, अब बच्चों ध्यान रखना है, जब आप 4 टर्म्स होंगी ना आपके पास तो यहाँ पे भी ये दोनों जो है ना वो कॉमन आएंगे। ओके, तो ये कॉमन जो टर्म्स हैं ये आपको निकालनी है इस तरीके से, ठीक है? और यहाँ पे इसके पास क्या बचा एक्स और इसके पास बचा प्लस 8। साइंस का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये तो सारे प्लस के थे, अगर माइनस में हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे वाले क्वेश्चंस में है, मैं आपको अच्छे से कवर करा दूंगी। हाँ जी बच्चों, सेकेंड पार्ट, 15xy-6x+5y-2। ओके, इसमें से आप बच्चों देखो 3 के टेबल में 15 भी आता है और 6 भी आता है। ओके, तो 3 कॉमन निकाल लेंगे, एक्स भी कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, इसके पास अब क्या बचा 3 कितने सा 15 होता है बच्चों, फैक्टर बना के देख लो, 15 के 3 5 15 होता है, तो 3 बाहर और 5 अंदर। ओके, फिर इसके पास x तो हमने बाहर निकाल लिया, y बचा हुआ है, -3 2 6। ओके, x हमने बाहर निकाल लिया तो 5 -2 आंसर। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 और 2 जो है दोनों प्राइम नंबर्स हैं, किसी के भी टेबल में नहीं आते। ओके, तो कुछ नहीं होता जब कोई भी वेरिएबल या कोई भी नंबर नहीं होता, तो आप 1 बाहर निकालते हैं। ओके, कुछ भी कॉमन नहीं है, एज इट इज ही लिख देंगे। हमें पता लग रहा है कि ये दोनों हमारे सेम आ रहे हैं, 5y-2 कॉमन निकाल लेंगे, इसके पास बचेगा 3x और इसके पास 1। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी बच्चों, पार्ट 3, ax+bx-ay-by। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी हमें इन दोनों टर्म्स में से कॉमन और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालना है। अब इसमें x निकलेगा, साफ साफ नजर आ रहा है, कोई नंबर नहीं है। इसमें a बचा इसके पास b बचा, इसी तरह से इसमें बच्चों माइनस भी कॉमन ले लेंगे। ओके, क्योंकि दोनों माइनस के हैं और y भी है। ओके, अब यहाँ पे बचा a, इसके पास बचा प्लस b। ऑल राइट, a+b दोनों में आ रहा है, कॉमन निकाल लेंगे, x-y यहाँ पे बचेगा। ओके, ध्यान रखना है बच्चों ये दोनों आपके कॉमन आने चाहिए, तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, हाँ जी बच्चों, फोर्थ पार्ट देखो, अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपको इनको शिफ्ट भी करना पड़ सकता है। अब देखो इसमें वैसे तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें कॉमन आ रहा है 15 15, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ पे कुछ नहीं, और यहाँ पे क्यू और यहाँ पे पी है, तो आपका ना पेयर जो है वो सही से नहीं बनेगा, आपको इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। कैसे शिफ्ट करेंगे ध्यान देंगे बच्चों, 15 PQ, ओके, प्लस 9 Q। अब देखो क्यू क्यू दोनों में कॉमन आ जाएगा, और 3 के टेबल में 15 भी आता है और 9 भी आता है, तो 3 5 15 और 3 3 जा। ओके, तो यहाँ पे भी ध्यान देंगे, 25P+15 कर लेंगे, 5 5 जा 25 होता है और 5 3 जा 15 होता है, तो 3 और 3 यहाँ पे और 5 और 5 यहाँ पे अच्छे से पेयर बन रहे हैं, हमारा कॉमन जो है वो सही से निकल जाएगा। ओके, तो 3 Q कॉमन निकालेंगे, 3 5 जा 15P+3 3 जा। ओके, यहाँ पे ऐसे ही 5 निकालेंगे, 5 5 जा और यहाँ पे 3। ओके, तो ये दोनों हमारे सेम बन गए, कोई दिक्कत नहीं आई। 5P+3 कॉमन निकाल के 3Q इसके पास ये बचा और इसके पास प्लस 5। राइट, तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी बच्चों, फिफ्थ पार्ट, z-7+7xy-xyz।
अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसमें 7xy कॉमन है, xy कॉमन है और 7 माइनस z होगा, लेकिन यहाँ पे z माइनस 7 है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा तभी आपका जो ब्रैकेट है वो सेम बनेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे आइए देखते हैं। इसमें हम इस वाले माइनस एक्स वाई जेड को यहाँ ले आएंगे और इसको हम इधर ले, ओके। आप यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो 1 फिर z माइनस 7। अब इसमें आपको क्या करना है बच्चों, अगर यहाँ पे माइनस की टर्म हो तो आप माइनस कॉमन ले लेना, ओके। तो माइनस एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, इसके पास बचेगा z, और यहाँ पे बच्चों साइन चेंज हो जाता है। अगर ये प्लस का है और आपने बाहर माइनस कॉमन निकाला है तो यहाँ पे भी माइनस कर देंगे आप। जैसे हम बाहर ब्रैकेट में माइनस होता था, मल्टीप्लाई करते थे तो कैसे करते थे, माइनस माइनस प्लस हो जाता था ना, तो यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे ये वाली टर्म अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव बाहर निकालो और इस वाली टर्म के साइन चेंज कर दो, ओके। एक्स वाई हमने कॉमन निकाल लिया था, 7 बचा, अब जेड माइनस 7 आपका कॉमन आ गया, ओके। कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ पे। अगर आप इसको चेंज नहीं करते तो क्या होता, यहाँ पे 7 माइनस जेड होता, ओके। तो फिर वो कॉमन निकलता नहीं, हमारे फैक्टर्स बनते नहीं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, तो आपकी जो 14.1 एक्सरसाइज है वो होती है फिनिश। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 14.2 के साथ। जी बच्चों, 14.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बच्चों आपको पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देती हूँ क्या होता है, कि आपकी दो आइडेंटिटीज जो हैं ये इस फर्स्ट क्वेश्चन में यूज होंगी। पहले भी आपने वैसे पढ़ी होंगी मे बी, लेकिन अगर नहीं पढ़ी है तो आप समझ लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती है, ये होती है आपकी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। इसी तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है आपकी सेम ही, लेकिन यहाँ पे जो 2ab है वो माइनस में आ जाता है, ओके। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी फर्स्ट क्वेश्चन में आपकी यूज होगी दोनों। अगर नेगेटिव में है कोई भी टर्म तो आप नेगेटिव वाला फॉर्मूला, माइनस वाला फॉर्मूला लगाना, और अगर सारी टर्म्स प्लस में है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप इनको फैक्टराइज करेंगे, ओके। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो देखो थ्री टर्म्स हैं बच्चों, ठीक है, ये वाली टर्म्स हैं ये, और इसको हमें इस फॉर्म में लाना है, क्योंकि हमने लास्ट जो हमने अभी देखा है क्वेश्चन 14.1 का, उसमें भी ऐसी था ना, दो टर्म्स थी इस तरीके से, तो इसी तरीके से इसमें भी आएंगी। तो ए स्क्वायर इसको हमें बनाना है, ए स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पे, अभी हम छोड़ देंगे, पहले इसको बी स्क्वायर बनाएंगे। तो 16 को बी स्क्वायर कैसे बनाओगे बच्चों, 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है, तो इसको 4 का स्क्वायर कर देंगे, ओके। यहाँ पे फॉर्मूला है हमारे पास 2ab, बी है हमारे 4, ओके। फॉर्मूला आपने लिखना है यहाँ पे, ये मैंने यहीं लिख दिया है। अब ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ओके। तो a प्लस बी हमारे पास 4 है, तो a प्लस 4 का होल स्क्वायर, ओके। इसको 2 टाइम्स लिख देंगे तो हमारे ये फैक्टर्स बन जाएंगे, ऑलराइट। इसी तरह से ये वाला है बच्चों, अब मैं फॉर्मूला जो है वो अब कर देती हूँ। आपको हर क्वेश्चन में, हर पार्ट में फॉर्मूला लिखना होगा, मैं नहीं लिख रही हूँ, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम ही है। अब ये a, अब 25 को आप क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर, राइट। 5 5 25 होता है, इसके लिए आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाला जो चैप्टर है वो भी अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो आप ये तो ईजी वाले हैं, अगर कोई डिफिकल्ट आ जाता है तो फिर आपको प्राइम फैक्टर करके देखना पड़ेगा या तो, ठीक है। तो 2 into p into 5, तो 2 5 10, एक बार आप यहाँ पे भी ये वाली टर्म भी करके देख लेना कि सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, हो रही है बिल्कुल। 2 5 10 p। अब ये किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है तो बच्चे कई बार प्लस ही कर देते हैं, ये वाले साइन का जरूर ध्यान रखना है। अगर ये नेगेटिव है तो आपको माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, p माइनस 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, थर्ड पार्ट। अब देखो बच्चों, इसमें 25m² तो आपको 25 को भी स्क्वायर बनाना है, क्योंकि m का स्क्वायर है लेकिन 25 का स्क्वायर नहीं है, ब्रैकेट नहीं लगा इस पे, तो 5m का स्क्वायर करेंगे इसमें, ओके। प्लस 2ab, अभी हम बाद में देखेंगे, यहाँ पे पहले 9 का कर देंगे, 3 स्क्वायर, ओके, 3 3 9 होता है, फिर 2a है हमारा 5m, b है हमारा 3, ऑलराइट। तो 2 5 10 10 3 30, m हो गया, 3 3 9 और 5 5 25 n² हो गया, सिंपली हमारा पूरा बन रहा है। तो ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस 2 ab
बी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। आइडेंटिटी मैंने लिख दिया आपके लिए, 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर आपका आंसर आएगा। इसको आप 2 टाइम्स लिख देंगे। ऑलराइट, इसी तरह से सेम ये वाला है बच्चों, 7y का होल स्क्वायर करेंगे इसमें, 7 7 49 होता है, 2ab ये बाद में देखेंगे। इसको हमने क्या करना है, 36 को, 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 6 होता है, 6 का स्क्वायर आएगा। ओके, अब 2ab, 7 2 14 14 6 84, ओके वाई जेड प्रॉपर बन रहा है हमारा, 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर बन जाएगा, 7y प्लस 6z, 7y प्लस 6z आपका आंसर आ जाएगा। आइडेंटिटी सेम ही है प्लस वाली। जी बच्चों, फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट, इसमें बच्चों 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब आपको नजर आ रहा होगा कि 4 और यहाँ पे भी 4 का फैक्टर बन रहा है, तो 4 आप कॉमन ले सकते हो। ओके, अगर ऐसा कुछ नजर आ रहा हो आपको कि कॉमन तीनों टर्म्स में कुछ है तो आप वो पहले निकाल लो। तो 4 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर बचा, 4 2 4 1। ओके, अब यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी लगा देंगे। देखो ए स्क्वायर ईजी हो गया ये, फिर बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। अब ये 4 एज इट इज रहने दो, ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर की। ओके, तो ये इसको आप 2 टाइम्स भी लिख सकते हो या फिर ऐसा भी छोड़ सकते हो। ऑलराइट, सिक्स पार्ट करेंगे, 121 बी स्क्वायर तो 11 और यहाँ पे 4 सी का होल स्क्वायर, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, फिर 2 ए बी, राइट, 2 4 8, 11 8 88, बी और सी दोनों आ गए, मैच कर गया हमारा पूरा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, दोनों में नेगेटिव वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, राइट, 2 टाइम्स लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, सेवेंथ एंड एट्थ पार्ट, L प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4LM, थोड़ा सा ये अलग है बच्चों। देखो इसमें आपको एक्सपैंड करना है पहले इसको। ओके, L प्लस एम का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, राइट, यही फॉर्मूला अभी हमने करा है। लेकिन हमने क्या करा था, इससे इसको इधर बना रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हमने एक्सपैंड करना है, तो माइनस 4LM। ओके, आप ये एल एम और ये एल एम दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसको आप कर सकते हो सब्ट्रैक्ट। तो माइनस 4 में से 2 करोगे तो माइनस 2LM आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे भी आइडेंटिटी बन रही है, इसको हम समराइज कर सकते हैं, कैसे करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर से। ओके, 2AB प्रॉपर बन रहा है, तो L माइनस एम का होल स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट करेंगे, अब इसमें भी थोड़ा सा अलग है ये बच्चों। देखो इसमें 4 है पावर और इसमें भी 4 है, इसमें स्क्वायर स्क्वायर है, तो यानी कि यहाँ पे ए स्क्वायर को हम अपना एक टर्म लेट कर लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 2 4 बनता है, राइट। अब यहाँ पे भी ऐसे ही बी स्क्वायर को एक टर्म लेट कर लेंगे और इस तरीके से कर लेंगे, बी स्क्वायर का स्क्वायर, 2 2 4। अब 2a, देखो ये a जो है हमारे पास ए स्क्वायर है, ध्यान रखना है, और b जो है वो हमारे पास बी स्क्वायर है, राइट, बन भी रहा है हमारा, सेटिस्फाई हो रहा है, 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्रॉपरली हो गया। अब ये किसकी आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर ये आपका आंसर आएगा। इसको आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं, ओके, तो ये आपका आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों अभी इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस और हैं, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारे एफर्ट्स थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। कोई भी डाउट हो आप कॉमेंट भी कर सकते हो और साथ साथ मुझे थैंक यू भी बोल सकते हैं। तो मिलेंगे जल्दी ही फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन प्लीज़ टेक केयर।